बाड़मेर के समदड़ी स्थित तो रामपुरा ग्राम पंचायत के किसानों ने सिवाना विधायक हमीर सिंह भाईल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के नाम तहसीलदार राकेश जैन को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए किसानों ने बताया कि कृषि विद्युत कनेक्शन का बिल पूरा भुगतान नहीं किया गया, बावजूद इसके विभाग की ओर से वसूली के लिए नोटिस दिया जा रहा है। इसी के साथ ही पाली जिले से रासायनिक पानी लूनी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे कि फसलों का उत्पादन जो है वो प्रभावित हो रहा है। किसानों ने 3 महीने का बिजली बिल माफ करने के साथ ही किसानों के विभिन्न समस्याओं के समाधान की भी इस ज्ञापन के साथ मांग की है। और ये वर्तमान जो सरकार है, पहले तो ये कह रही थी 3 माह के बिल हम माफ करेंगे, हर किसान के 3 माह के बिल माफ करेंगे। वो माफ करना तो अलग रहा, पेनल्टी लगाकर 2% और चार्ज, अतिरिक्त चार्ज लगाकर 80,000 से लगाकर 1,40,000 तक के जो नोटिस थमाए गए, ये हमारे किसान आज की तारीख में एक भी इनका जो अनलीगल जो नोटिस दिया गया, एक भी किसान बिल भरने वाला नहीं है। ये इनको समय पे, कल मैंने परसों मीटिंग थी तो माननीय कलेक्टर और एससी साहब चीफ इंजीनियर से भी बात कर ली है, और आज मैं ऊर्जा मंत्री जी से भी सुबह से लग रहा हूँ बात करूँगा, और सीएम मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा। एक भी नया पैसा किसान भरेगा नहीं, और अगर हट धर्मी तब ये सरकार रही तो निजी जुम्मेवारी सरकार की होगी, एक भी कनेक्शन काटने नहीं देंगे, और ये जो नोटिस दिए ये वापिस लिए जाए।